नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभी और आप देख रहे हैं टेक अनबॉक्सिंग। तो दोस्तों आज हम अनबॉक्स करने वाले हैं एक लैविलियर माइक्रोफोन। तो दोस्तों बहुत सारे लोगों ने पहले रिक्वेस्ट की थी लैविलियर माइक्रोफोन का अनबॉक्सिंग करो, तो दोस्तों फाइनली हमारे चैनल पे आज हम एक लैविलियर माइक्रोफोन का अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। तो दोस्तों ये है बोया का लैविलियर माइक्रोफोन और इसे मोस्टली यूज़ करते हैं फ़ोन्स और DSLR कैमरा के साथ, और मैंने सुना है बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का माइक्रोफोन है। तो दोस्तों ज़्यादा कुछ टाइम वेस्ट किए बिना डायरेक्टली हम देखते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। तो दोस्तों ये है बोया का लैविलियर माइक्रोफोन जिसका मॉडल नंबर है BY-M1। तो दोस्तों जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे है बोया का ब्रांडिंग, यहाँ पे आपको माइक की एक फ़ोटो दिखाई देती है, यहाँ पे है उसका मॉडल नंबर, बॉक्स के साइड में आपको दिखाई देता है फॉर स्मार्टफोन कैमकॉर्डर्स DSLR ऑडियो रिकॉर्डिंग PC एक्सेट्रा, और बॉक्स के पीछे की तरफ यहाँ पे आपको दिखाई देते कुछ फीचर जैसे कि है क्लिप ऑन माइक फॉर DSLR, कैम रिकॉर्डर, ओमनी डायरेक्शनल माइक्रोफोन, हाई क्वालिटी माइक्रोफोन, लो हैंडलिंग नॉइज, और यहाँ पे LR44 बैटरी आपको यहाँ पे दिखाई देती है, प्लस यहाँ पे आपको फोम कवरिंग मिलता है माइक्रोफोन के लिए, और 1:4 का अडाप्टर भी यहाँ पे आपको देखने मिलता है। और दोस्तों यहाँ पे कुछ स्पेसिफिकेशंस दिए बट बारकोड की वजह से मैं नहीं पढ़ सकता, और यहाँ पे आप देख सकते हो MRP मेंशनड है जो है 2399 रुपीज़, बट ये हमें मिला केवल 1200 रुपये में अमेजोन से। तो दोस्तों बॉक्स पे ज़्यादा कुछ भी नहीं है, तो चलिए इसे ओपन अप करते हैं। तो दोस्तों बॉक्स के अंदर हमें देखने मिलता है ये इंपॉर्टेंट नोटिस जो है माइक्रोफोन के बारे में, और यहाँ पे हमें देखने मिलता है एक यूज़र मैनुअल, और यहाँ पे आता है हमारा मेन बोया का माइक्रोफोन। तो आप देख सकते हो बहुत ही बढ़िया ये लेदर पैकिंग में आता है, बहुत ही बढ़िया है, और यहाँ पे अंदर आपको ये माइक्रोफोन दिखाई देगा। तो इसकी जो वायरिंग है वो बहुत ही बढ़िया है, काफ़ी बढ़िया इसकी वायरिंग है, आप देख सकते हो ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से 2 से 3 मीटर के ऊपर ये वायरिंग होनी चाहिए। और यहाँ पे है आपका जो मेन माइक्रोफोन, तो आप देख सकते हो यहाँ पे है मेन माइक्रोफोन, और यहाँ पे आपको देखने मिलता है 3.5 mm का जैक, और बॉक्स के अंदर हमें देखने मिलता है यहाँ पे एक पैकेट जिसमें है 1:8 जैक। तो इसे भी हम ओपन करते हैं, तो यहाँ पे हमें देखने मिलता है एक बड़ा सा जैक जो है 1:8 जैक, और यहाँ पे हमें देखने मिलती है वो बैटरी जो है LR44 बैटरी, तो इसे भी हम रखते हैं साइड में। और यहाँ पे हमें देखने मिलता है एक स्पॉन्ज जो आपके माइक को कवर अप करेगा, और यहाँ पे हमें देखने मिलता है क्लिप जिसके हेल्प से आप इसे क्लिप ऑन कर सकते हो। सो गाइस बॉक्स के अंदर हमें ये सारी चीज़ें देखने मिलती है। तो दोस्तों अभी हम बैटरी इंसर्ट करके इसे पावर ऑन करते हैं। सो गाइज ये है मेन माइक्रोफोन, और यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत ही बड़ा सा आपको अडाप्टर मिलता है, और यहाँ पे एक स्पेशल इंस्ट्रक्शंस है जो आपको ऊपर स्विच करना है ये नॉब, अगर आप कैमरा के साथ इसे यूज़ कर रहे हो, और अगर आप स्मार्टफोन्स के साथ इसे यूज़ कर रहे हो तो आपको इसे नीचे स्विच करना है। तो ये बहुत ही बढ़िया इसमें फीचर दिया है, मतलब आप DSLR फ़ोन किसके साथ भी इसे यूज़ कर सकते हो। प्लस यहाँ पे आपको देखने मिलता है 3.5 mm का जैक जो आपके फ़ोन में जाएगा, और ये DSLR कैमरा में भी वर्क करता है। तो अभी हम इसे ओपन अप करते हैं, तो यहाँ पे आपको एक ओपनिंग कंपार्टमेंट मिलेगा, सो बहुत ही बढ़िया चीज़ है। तो गाइस जैसे मैंने ओपन अप किया यहाँ पे बैटरी इंसर्ट करने के लिए एक कंपार्टमेंट है, तो हम इसमें बैटरी इंसर्ट करते हैं। सो गाइस कुछ इस तरह हमें इस बैटरी को इंसर्ट करना है और फिर इसे कवर अप करना है। सो गाइस इसमें मैंने बैटरी इंसर्ट कर दी है, और यहाँ पे है इसका मेन माइक्रोफोन। तो जैसे आप देख सकते हो इसके ऊपर हमें मिलता है एक स्पॉन्ज कवर जो हमें इसे इंसर्ट करना है। तो गाइस जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने स्पॉन्ज इंस्टॉल कर दिया है, और यहाँ पे अभी मैं इंस्टॉल करने वाला हूँ ये क्लिप ऑन माइक, तो इसे भी हमें यहाँ पे इंसर्ट करना है। ये जो आपको कॉलर दिखाई दे रहा है नेक पोर्शन, इसके ऊपर हमें इसे इंसर्ट करना है कुछ इस तरह। तो आप देख सकते हो मैंने इंसर्ट किया है, इसे क्लिप ऑन कर दिया है। तो दोस्तों ये था कंप्लीट माइक के बारे में। माइक को टेस्ट करने के लिए हमें इसे फ़ोन से कनेक्ट करके आपको ऑडियो क्वालिटी सुनानी पड़ेगी, तो इसके आगे जो भी वीडियो रहेगा वो कम्प्लीटली मैं इस माइक से रिकॉर्ड करूँगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपको एक साउंड टेस्ट देनी है, तो यहाँ पे जो माइक कनेक्टेड है मेरा वो है बोया का माइक, आप देख सकते हो यहाँ पे ये बोया का माइक है, और इसका जो कंट्रोलर है वो मैंने नीचे अटैच किया था, और बहुत ही बढ़िया है। आपको अगर साउंड क्वालिटी आती रहेगी इससे तो बहुत ही बढ़िया है, अगर आप इसे पास में लोगे तो आपको ज़्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा, तो इसे सजेस्ट करते हैं कि ज़्यादा दूर से ही यूज़ किया जाए।
तो दोस्तों ये है इसका साउंड टेस्ट और आप सुन सकते हो यहाँ पे मैंने इस माइक को कनेक्ट किया है, तो इसे सजेस्ट कर दे दूर से यूज़ करो। जो पहले मैं माइक्स यूज़ करता था वो मैं यूजुअली कॉलर पे अटैच करता था क्योंकि बहुत ही बेसिक था। तो दोस्तों ये है मेरा पहला माइक जो मैं यूज़ करता था और आप देख सकते हो यहाँ पे है एक एक्सटेंडेड कॉर्ड जो मैं आईफोन के लिए यूज़ करता था। सो मैं इस एक्सटेंडेड कॉर्ड के थ्रू इसे कनेक्ट करता था और मेरे फ़ोन में इसे कनेक्ट करके इसे यूज़ करता था रिकॉर्डिंग के लिए। तो दोस्तों इस माइक की जो साउंड क्वालिटी है उसके कंपैरिजन में ये माइक की साउंड क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। प्लस इसके साथ जो डिवाइस मिलता है यहाँ पे नीचे की तरफ वो भी हम नीचे कनेक्ट करते हैं और यहाँ पे आपको दो ऑप्शंस मिलते हैं जो एक कैमरा के लिए और एक फ़ोन के लिए। तो अभी मैं कैमरा पे शूट कर रहा हूँ तो यहाँ पे मैंने कैमरा मोड पे इसे सेट किया है और अगर आप नीचे इसे स्लाइड डाउन करते हो तो आपका जाएगा ये फ़ोन मोड पे। तो अगर आप फ़ोन पे शूट कर रहे हो तो आप इसे स्लाइड डाउन करके उसे यूज़ कर सकते हो। तो दोस्तों मेरे हिसाब से तो बहुत ही बढ़िया क्वालिटी है इसकी। तो दोस्तों अगर आपको कोई प्रोफेशनल शूट करना है या फिर आप YouTube वीडियोस बनाते हो तो आपके लिए ये बोया माइक बहुत ही परफेक्ट माइक है। अगर आपको इससे भी बजट माइक चाहिए तो ये माइक जो मैं पहले यूज़ करता था वो मैंने लिया था Amazon से ऑलमोस्ट 250 या फिर 300 रुपीज़ की प्राइस रेंज में और इसकी भी जो साउंड क्वालिटी थी बहुत ही बढ़िया थी। मैंने पहले सारे वीडियोज़ इस पर ही शूट किए थे पर दोस्तों इसका एक ही ड्रॉबैक था, ये मेरे DSLR के साथ कनेक्ट नहीं हुआ। उसके लिए मैंने बोया का माइक्रोफोन ऑर्डर किया और वो मुझे मिला ऑलमोस्ट 1200 रुपये की प्राइस रेंज में। तो दोस्तों अगर किसी को वो दोनों माइक्स खरीदने हैं तो मैं नीचे दोनों माइक्स की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पे जाके आप उन्हें खरीद सकते हो। और दोस्तों अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसी ही टेक रिलेटेड अनबॉक्सिंग के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। और दोस्तों और एक इंपॉर्टेंट बात, प्लीज़ मेरा फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज भी लाइक कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।